राघव कर। अरे करण, अगर ये करण के भेस में उस चुड़ैल का वही साथी हुआ तो इस लॉकेट के टच करते ही इसका असली रूप सामने आ जाएगा। थैंक गॉड तू मिल गया यार, कहां चला गया था? अरे तू रो क्यों रहा है? बहुत बुरी तरह फंस गया था राघव, मैं बहुत मुश्किल से निकला हूँ। वो इंस्पेक्टर गुरुजी, गुरुजी दोनों मर गए। वो चुड़ैल, वो चुड़ैल और उसके साथी वो आम आदमी नहीं है, रूप बदलते चपकली में बदल जाता है। करण पानी पियो। तू पानी पी। राघव निकल दे, अभी के अभी यहाँ से निकल दे। वो चुड़ैल और उसका साथी हमें ढूंढ के हमें मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा राघव, प्लीज चलो। तू चल चल गाड़ी में बैठ। देखो मुझे जाने दो, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बताएगा तू, हम दोनों का सच बताएगा। हाँ तुझे सच बोलना है, तू वही बोलेगा जो राघव और वैद्य ही सुनना चाहते हैं। राघव का दोस्त है ना तू, दोस्त क्या करते हैं? झूठ नहीं बोलते। तुझे भी सच बोलना है, राघव का दोस्त बन के रहना है, पर दोस्ती निभानी है मुझसे। मुझे राघव को अपना बनाना है और वो तू बनवाएगा। राघव को मेरा होने में तू मेरी मदद करेगा। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो संजना? ये राघव का बहुत गहरा दोस्त है, ये उसी का साथ देगा, हमारा साथ कभी नहीं देगा। देगा नहीं देगा। और अगर ये यहां से जिंदा बच के निकल गया तो ये राघव की ही मदद करेगा। नहीं, ये मेरी मदद करेगा। बोल करण, करेगा ना? नहीं 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 संजना, मुझे नहीं लगता है हमारी मदद करेगा, उल्टा तुम्हारा खात्मा करने में ये राघव की ही मदद करेगा। इससे तो अच्छा है कि तुम इसका खात्मा कर दो, इसे यहीं जान से मार दो। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं करूंगा जो आप बोलोगे वो मैं करूंगा। ठीक है, नहीं मारूंगी, पर तू वादा कर, तू मेरा वादा तो नहीं तोड़ेगा ना? वादा नहीं तोड़ूंगा, नहीं तोड़ूंगा। सोच ले, चुड़ैल से वादा किया है, अगर वादा तोड़ दिया तो मैं तुझे तोड़ दूंगी, मार दूंगी तुझे। वादा वादा। चल जा अपने दोस्त राघव के पास, जा उससे मिल और मेरे अगले आदेश का इंतजार करना। मैं तुझे बताऊंगी कि तुझे क्या करना है। करण वहां क्या देख रहे हो? कार में बैठो, चल बैठ जल्दी।
पंडित जी आगे। क्या हुआ पंडित जी, आप चौकट पर क्यों रुक गए, किस सोच में पड़ गए? आप आइए ना, अंदर आइए। क्या हुआ पंडित जी, आप कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। मुझे हवेली की एक चौखट पर ही कुछ आभास हो गया था, मन अशांत हो गया था। ऐसा लगता है कि जैसे बरसों से इस हवेली पर कोई साया है, उसकी परछाई अब भी यहां मंडरा रही। हाँ पंडित जी, इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया है। अब आप ही कुछ कीजिए प्लीज पंडित जी, हम सब तो यहाँ आके बिल्कुल ही फंस गए हैं। यहाँ इस हवेली पे एक चुड़ैल का साया मंडरा रहा है, हमारी बच्चों की जान खतरे में है पंडित जी, प्लीज आप कुछ कीजिए प्लीज। सबसे पहले हमें इस हवेली का शुद्धिकरण करना होगा, और उससे भी पहले हवेली में जहाँ मंदिर का स्थान है वहाँ प्रतिमाओं की स्थापना करनी होगी, और मूर्तियों के आगमन पर हमें यज्ञ हवन इत्यादि करना होगा। जहाँ अच्छी शक्ति का वास होगा वहां बुरी शक्तियां निवास नहीं कर सकती। पंडित जी आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, बस हमारे बच्चों को उस चुड़ैल की बुरी नजर से बचा लीजिए। बचाने वाला मैं नहीं, वो है। हर बुरी शक्ति को उसकी शक्ति काटती है। बस आप राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी की मूर्तियों का प्रबंध करें। और एक बात, पंचमुखी हनुमान जी की एक तस्वीर भी मंगवाएं। जी बहुत अच्छे। अभी इस पंडित को भी यहाँ ले आए। इतनी मुश्किल से हमने इस हवेली पर अपना राजपाट बनाया था, काली शक्तियों का खौफ फैलाया था। अब इस पंडित के आने से सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। नहीं होगा, हमें तो अंदर जाना ही नहीं है, क्योंकि राघव और वैद्य वो दोनों खुद बाहर आएंगे। हमारे लिए, हमारे पास उन्हें बाहर लाने वाला अंदर जा चुका है। कारण राघव, ये पंचमुखी हनुमान जी का चित्र है, इसे हवेली के मुख्य द्वार पर लगा दो। इनके रहते हुए कोई भी बुरी शक्ति हवेली में प्रवेश नहीं कर सकेगी। जी गुरुजी।